Hello, students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today, we will start exercise 3.1 of chapter 3 playing with numbers. So, first of all, we will discuss some basic points of exercise 3.1. So, firstly, we will discuss about factor. A factor of a number is an exact divisor of that number. च मीन्स अगर हमें किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना है तो वो फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है फैक्टर्स ऑफ फोर अगर हमें फ़ोर के फैक्टर्स बताने हैं तो फोर के फैक्टर्स क्या क्या बने हैं वन टू फोर अब वन फोर का एक्जैक्ट डिवाइज़र है और टू बी एंड फोर बी तो हमने यहाँ से जो जो कंक्लूज़न निकालना है वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट इज़ वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर व्हिच मीन्स वन हर एक नंबर का फैक्टर बनेगा नेक्स्ट एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ कि अगर हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करें तो वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होगा जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा है वन भी उसका फैक्टर बन रहा है और फोर खुद भी उसका फैक्टर बन रहा है तो वन हर एक नंबर का फैक्टर बनेगा और फोर यानी कि जैसे हमने फोर का फैक्टर फाइंड करना था तो फोर फोर ही उसका फैक्टर बना यानी कि वो नंबर खुद का फैक्टर बनेगा नाउ नेक्स्ट एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर विच मीन्स अगर किसी नंबर के हम फैक्टर फाइंड आउट करें तो वो उसके एक्जैक्ट डिवाइजर भी बनेंगे यानी उसने यानी क्या करेंगे उसे डिवाइड भी करेंगे नाउ नेक्स्ट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिव अंबर अगर हम किसी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो जो उसके फैक्टर बनेंगे उस नंबर से लेस बनेंगे या फिर उसके इक्वल बनेंगे उससे ग्रेटर नहीं बनेंगे जैसे फोर के फैक्टर्स में फोर नंबर उसका मैक्सिमम फैक्टर था और उसके जो फैक्टर हैं वो फोर नंबर से लेस है और फोर के इक्वल है यानी कि वो उसके इक्वल आएंगे उससे लेस रहेंगे नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट यानी कि किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो वो फाइनाइट होंगे यानी कि फिक्स होंगे फाइनाइट आएंगे, मैं इनफीनाइट नहीं आएंगे, इनकी बहुत सारे नहीं बन सकते कि फाइनाइट नंबर से उसके फैक्टर्स बनेंगे नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर विच मीन्स अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे उसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल ऑफ टू अगर हमें टू के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं तो क्या बनेंगे टू मल्टीप्लाई वन इज़ टू टू मल्टीप्लाई टू इज़ फोर टू मल्टीप्लाई थ्री इज सिक्स टू मल्टीप्लाई फोर इज़ एट टू मल्टीप्लाई फाइव इज टेन सो विश में हम यहाँ पर टू को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से हमने टू को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसके हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट किए नाउ नेक्स्ट एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर विच मीन्स अगर हम किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल उससे ग्रेटर होंगे और उसके इक्वल होंगे जैसे हमने यहाँ पर टू के मल्टीपल फाइंड आउट किए हैं तो टू के मल्टीपल में टू के मल्टीपल क्या बने हैं टू यानी कि टू के इक्वल और टू से ग्रेटर नंबर बने हैं तो मल्टीपल उससे ग्रेटर और उसके इक्वल होंगे नाउ नेक्स्ट द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफीनाइट किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो इन्फिनाइट बनेंगे यानी कि बहुत सारे उसके मल्टीपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं उन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते इन्फीनाइट बनेंगे स्टेज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ विच मीन्स अगर हम किसी नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट करें तो वो नंबर खुद भी उसका मल्टीपल बनेगा जैसे कि टू के मल्टीपल में टू भी उसका मल्टीपल है यानी कि किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो वो नंबर खुद भी मल्टीपल बनेगा नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चनाइज थ्री पॉइंट वन सो क्वेश्चन वन स्टेटमेंट इज राइट ऑल द फैक्टर्स फॉलोइंग नंबर ट्वेंटी फोर तो हमें इस क्वेश्चन में ट्वेंटी फोर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सो वी स्टार्ट सोल्यूशन सो ट्वेंटी फोर की हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अब ट्वेंटी फोर अब हर एक नंबर का वन तो फैक्टर होता ही है तो वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर यानी कि वन भी फैक्टर बनेगा अब हम चेक करेंगे टू तो टू के टेबल पर ट्वेंटी फा ट्वेंटी फोर डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्ट तो टू मल्टीप्लाई किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर आए ट्वेल्व नाउ चेक करेंगे हम थ्री अब थ्री के टेबल पर एट पर यानी कि थ्री को अगर हम एट से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई एट तो यानी कि थ्री भी ट्वेंटी फोर का फैक्टर बना अब हम चेक करेंगे फोर फोर के टेबल में ट्वेंटी फोर सिक्स पर जाएगा तो यानी कि ट्वेंटी फोर इक्व टू फोर मल्टीप्लाई सिक्स अब फाइव पर हम चेक करेंगे तो फाइव से ट्वेंटी फोर डिवाइड नहीं होगा नाउ हम चेक करेंगे नेक्स्ट सिक्स सिक्स के टेबल पर ट्वेंटी फोर फोर पर जाएगा यानी कि सिक्स मल्टीप्लाई फोर तो इस तरह से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अब सेवन पर भी नहीं जाएंगे अब एट यहां हम कर चुके हैं तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं तो हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी फोर फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी फोर क्या क्या बनेंगे वन टू थ्री फोर सिक्स अब फोर और सिक्स तो हम यहां पर राइट कर चुके हैं देन एट ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर एट ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर तो इस तरह से हम फैक्टर्स ट्वेंटी फोर के फाइंड कर लेंगे वन बी पार्ट दिफ्टीन तो हम फिफ्टीन के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सो वी स्टार्ट सोल्यूशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिफ्टीन राइट करेंगे देन हम फिफ्टीन के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अब वन तो सभी का फैक्टर्स बनेगा हर एक नंबर का तो वन मल्टीप्लाई फिफ्टीन अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे टू के टेबल पर अगर टू फिफ्टीन को डिवाइड एग्जैक्ट कर दे तो टू भी इसका फैक्टर बन जाएगा लेकिन टू तो इससे डिवाइड नहीं कर रहा है एग्जैक्ट तो हम चेक करेंगे थ्री अब थ्री फिफ्टीन को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है तो किस नंबर पर फाइव तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव इज फिफ्टीन नाउ हम नेक्स्ट चेक करेंगे फोर फोर भी डिवाइड नहीं करेगा देन फाइव हम चेक करेंगे तो फाइव के टेबल पर थ्री पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फिफ्टीन तो इस तरह से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अब सिक्स सेवन एट नाइन इन टेबल पर फिफ्टीन एग्जैक्ट फिफ्टीन एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो यही इसके फैक्टर्स बनेंगे सो फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन सार फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव आप थ्री और फाइव हमने राइट कर दिए तो हम इसे दोबारा से राइट नहीं करेंगे नाउ नेक्स्ट इज फिफ्टीन तो इस तरह से फन भी इसका फैक्टर बना और फिफ्टीन खुद भी इसका फैक्टर बना तो इस तरह से हम इस मेथड से फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन फाइंड आउट कर लेंगे और आप क्वेश्चन फन के अदर एग्जाम्पल्स अदर पार्ट्स भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टू सो so, क्वेश्चन टू तो स्टेटमेंट इज राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ ए पार्ट इज फाइव तो हमें फाइव के फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं सो वी स्टार्ट सोल्यूशन सो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव हमें फर्स्ट फाइव फाइंड आउट करने हैं तो हम मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते थे हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव मल्टीप्लाई वन इज फाइव नाउ फाइव मल्टीप्लाई टू इज टेन फाइव मल्टीप्लाई थ्री इज फिफ्टीन फाइव मल्टीप्लाई फोर इज ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज ट्वेंटी फाइव तो हमने फाइव के फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स फाइंड आउट करने थे. तो हमने क्या किया फर्स्ट ऑल फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया देन टू थ्री फोर फाइव हमें फाइव तक ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स फाइंड आउट करने थे तो इसी तरह से इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आप खुद से ट्राई करेंगे नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन थ्री सो क्वेश्चन थ्री स्टेटमेंट इज मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद द आइटम्स इन कॉलम टू विच मेज हमें कॉलम वन को कॉलम टू से हमें मैच करना है सो कॉलम वन फर्स्ट पार्ट थर्टी फाइव हम चेक करेंगे कि ये सेकेंड कॉलम में किस से मैच होगा तो थर्टी फाइव हम फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे ए पार्ट मल्टीपल ऑफ एट एट का मल्टीपल थर्टी फाइव तो नहीं बनेगा नाउ बी मल्टीपल ऑफ सेवन तो सेवन का जो मल्टीपल है वो थर्टी फाइव बन जाएगा क्यों बनेगा क्योंकि सेवन के अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा सेवन को फाइव से मल्टीप्लाई करने पर थर्टी फाइव तो यानी कि फर्स्ट पार्ट बी से मैच हो जाएगा तो फर्स्ट पार्ट मैश विथ बी नाउ सेकेंड फिफ्टीन तो हम फिफ्टीन चेक करेंगे कि किस से मैच होगा ए मल्टीपल ऑफ एट एट का मल्टीपल तो फिफ्टीन नहीं बनता और बी फर्स्ट से मैच हो चुका है हम सी चेक करेंगे मल्टीपल ऑफ सेवन ये भी नहीं बनेगा फैक्टर ऑफ थर्टी अब हम फैक्टर ऑफ थर्टी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टर ऑफ थर्टी में फ़िफ्टीन तो उसका फैक्टर बन रहा है क्योंकि फिफ्टीन मल्टीप्लाई टू इज़ थर्टी तो फ सेकेंड पार्ट किससे मैच हो रहा है डी पार्ट से सो सेकेंड पार्ट मैश्ड विद डी नाउ हम थर्ड चेक करेंगे सिक्सटीन सिक्सटीन किससे मैच होगा ए मल्टीपल ऑफ एट एट का मल्टीपल सिक्सटीन बन रहा है या नहीं बन रहा है क्योंकि एट मल्टीप्लाई टू इज सिक्सटीन तो थर्ड पार्ट विद ए तो इसलिए थर्ड ए सी मैच होगा नाउ हम फोर्थ पार्ट चेक करेंगे ट्वेंटी अब यहाँ पर ए भी मैच हो चुका है बी भी सी हम चेक करेंगे मल्टीपल ऑफ सेवेंटी मल्टीपल ऑफ सेवेंटी तो ट्वेंटी नहीं बनता ऐसे ही फैक्टर ऑफ थर्टी भी नहीं बनता फैक्टर ऑफ फिफ्टी भी नहीं बनता एफ फैक्टर ऑफ ट्वेंटी अब ट्वेंटी का फैक्टर ट्वेंटी बनता है क्योंकि अगर हम किसी के भी फैक्टर फाइंड आउट करें तो वो नंबर खुद का फैक्टर होता है तो फोर्थ पार्ट किससे मैच होगा एफ से सो फोर्थ पार्ट मैच विथ एफ नाउ फिफ्थ ट्वेंटी फाइव अब हम ट्वेंटी फाइव चेक करेंगे ए भी मैच हो चुका है अब हम बी बी यानी कि मल्टीपल ऑफ सेवन ये भी मैच हो चुका था ऐसे ही सी मल्टीपल ऑफ सेवेंटी ये तो मल्टीपल ऑफ सेवेंटी नहीं बनता ना ही फैक्टर ऑफ थर्टी बनता फैक्टर ऑफ फिफ्टी अगर हम फिफ्टी के फैक्टर फाइंड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव भी फिफ्टी का फैक्टर बनेगा क्यों क्योंकि ट्वेंटी फाइव को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें तो फिफ्टी आएगा और वो फैक्टर ऑफ फिफ्टी है तो इसलिए फिफ्थ पार्ट विद ई सो इस तरह से हम इन्हें मैच कर लेंगे

हंड्रेड तो मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करती थी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके नाइन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन नाइन को टू से एटीन थ्री ट्वेंटी सेवन ऐसे ही हम फोर से करेंगे थर्टी सिक्स फाइव से करेंगे फोर्टी फाइव सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी फोर सेवन सिक्सटी थ्री एट से करेंगे सेवेंटी टू ऐसी हम नाइन से करेंगे एटी वन टेन से नाइन्टी इलेवन नाइन्टी नाइन ट्वेल्थ से करेंगे तो हंड्रेड से ग्रेटर नंबर आएगा लेकिन हमें तो अप टू हंड्रेड फाइंड आउट करने थे तो यहाँ तक ही हम फाइंड आउट करेंगे नाइन को इलेवन से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नाइनटी नाइन आया है अगर हम ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करते हो हंड्रेड से ग्रेटर बनेगा तो हम इस तरह से मल्टीपल ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड फाइंड आउट कर लेंगे टूडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन वन टू थ्री एंड फोर ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन चैप्टर थ्री Playing with numbers and exercise 3.1 is complete. I hope so, you all understood these questions clearly. Thank you.